आपका स्वागत करती हूँ अपने आज के इस एपिसोड में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस। आई नो आज आप बहुत सारे दोस्त यार मिल रहे होंगे, तो मैंने सोचा अगर कोई किसी के घर जा रहा होगा तो कुछ इजी पीजी सी रेसिपी सिखाई जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉर्न की कुछ इजी सी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं लगभग 3 कप 400 ग्राम के कॉर्न, इसको भी मैं साइड में रखूंगी। और हमको डबल द क्वांटिटी पानी बॉईल करना रहेगा, तो हम पहले पानी बॉईल करेंगे। मैंने गैस ऑन कर दी थी इसलिए। तो ये लगभग 6 कप पानी होगा, हम इसको एक बॉईल आने देंगे, फिर हम हमारे कॉर्न इसमें ऐड करेंगे। जी देखिए पानी हमारा गर्म हो आया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कॉर्न। धीरे धीरे ऐड करिए, एकदम पानी उछले नहीं आपके ऊपर। और स्टार्ट में ही हम नमक भी ऐड कर देंगे। देखिए लगभग हमको 5 से 6 मिनट हुआ और हमारे कॉर्न आप देखिए कलर कितना चेंज हो गया है इनका, कितने सुनहरे और फूल फूल से गए हैं, ये बहुत ही मस्त लग रहे हैं। अब हम इनको ड्रेन कर लेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में मेरी गैस मीडियम से हाई ही रही है और हमारे कॉर्न इतने अच्छे हो चुके हैं। आप बंद करते टाइम इसको जरा सा चक के देख लीजिए, अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, बाकी वैसे 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो आपको 3 तरीके के कॉर्न सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं लगभग 1 कप कॉर्न की रेसिपी आपको पहले बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेन कर लेती हूँ। ये कॉर्न गर्म है इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली आपके बेसन में स्ट्रेन नहीं करा है। आप भी अपने बेसन में मत करिए वरना आपका पाइप खराब हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से अगर गर्म स्ट्रेन करें तो किसी बर्तन में ही करें। लगभग 1 कप कॉर्न मैंने जो स्ट्रेन किया था वो मैं यहाँ बोल में ले लेती हूँ। अब हम इसको 2-5 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो ये थोड़े से ठंडे हुए हैं, अब मैं इसमें ऐड करूँगी लगभग 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची। नमक मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं क्रिस्पी कॉर्न में बाद में चाट मसाला ऐड करूँगी। अगर आपको चाट मसाला नहीं पसंद हो तो आप हल्का सा नमक और ऐड कर सकते हैं, कंसीडरिंग कि हमने बॉइलिंग के टाइम भी थोड़ा नमक ऐड किया था। साथ ही मैं इसमें कोटिंग के लिए, क्रिस्पी कॉर्न है तो क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पे लगभग 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। तो हम इसको भी ऐसे डाल देंगे अच्छे से और हम इसको दे देंगे एक अच्छा सा मिक्स। तो हमको इसको अच्छे से हिलाना है तब तक ताकि हमारे जो सारे कॉर्न्स हैं वो अच्छे से कोट हो जाए इससे। देखिए जैसे मुझे लग रहा है कि अभी हल्का हल्के कॉर्न्स हैं जो कोट नहीं हुए, तो मैं इसमें ज़रा सा पानी का छींटा मारूंगी, एकदम ज़रा सा छींटा मारना है हमको और हम इसको वापस मिक्स करेंगे। मैंने अलग से और पानी बिल्कुल नहीं डाला था, जो कॉर्न में हमने बॉईल किया था तो उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर था ही, और मैंने सिर्फ ज़रा सा एकदम, आपने देखा है किस तरीके से पानी का छींटा मारा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तेल फ्राई करने के लिए और तेल हमारा लगभग हीट अप हो आया है। हमको तेल ज़्यादा हीट नहीं करना है इसके लिए, तब हम इसमें हमारे कॉर्न को ऐड कर लेंगे। मैंने इस तरीके से लिया है ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा कॉर्न स्टार्च हो, कॉर्नफ्लोर हो, वो डस्ट हो जाए। इसको डालते ही हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे। फ्लेम मेरी मीडियम पे है। तो लगभग स्टार्टिंग के 1 मिनट 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप इसको मीडियम फ्लेम में ही पकाएं, वरना अगर ये तेल ज़्यादा गर्म होगा तो कॉर्न जो होते हैं वो पॉपअप करके बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए साइड में मैंने एक ढक्कन भी रखा है कि हम उसको कढ़ाई को 80% कवर कर दें अगर ऐसा कभी होता है तो, ताकि कॉर्न वापस अंदर बैठ जाए। बस मेरे को 45 सेकंड्स हो गए हैं तो अब मैं मेरी फ्लेम थोड़ी हाई कर देती हूँ और इसको देखिए हमारे कॉर्न कितने अच्छे से हो आए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगभग 2 से 2.5 मिनट लगा। फ्लेम मैंने लो पे कर दी है। तो वापस से मैं मेरे सेकंड बैच को भी फ्राई कर लेती हूँ। आप जैसे इसको डालें आप इसको थोड़ा सा हिला दें। तो लगभग ये 30 सेकंड हो गए हैं धीरे में। अब मैं इसको वापस से 80% तक कवर कर दूंगी और फ्लेम थोड़ी हाई कर दूंगी, मीडियम टू हाई। आपको पॉपिंग साउंड सुनाई भी दे रहा होगा, जस्ट टू सेव योरसेल्फ प्लीज़ डू फॉलो दिस।
देखिए ये वाला बैच भी हमारा हो आया है और अब हम इसको भी निकाल लेंगे। देखिए कितने सुनहरे हुए हैं हमारे क्रिस्पी कॉर्न के, क्रिस्पी क्रिस्पी कॉर्न। तो हम खाली कर लेते हैं अपने गरम गरम क्रिस्पी कॉर्न को एक बोल में। अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, पसंद की वेजीज, थोड़े से प्याज। आप चाहें तो वेजीज को सॉटे करके भी सॉसेस के साथ भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्ची, हरा धनिया और हरी मिर्ची। मैंने ज़रा सा ही चाट मसाला डाला है तो इसमें मैं सब्जी के हिसाब से भी एकदम पिंच ऑफ अपना काला नमक और पिंच ऑफ भुना जीरा हम दे देंगे एक अच्छा सा मिक्स। अगर स्प्रिंग अनियन का सीज़न हो तो आप स्प्रिंग अनियन की लीव्स डालिए, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं क्रिस्पी कॉर्न में। और हमारा इजी पीजी सा क्रिस्पी कॉर्न बन के हो गया है ये तैयार। इसको मैं एक बोल में निकाल देती हूँ। लग रहा है ना मज़ेदार? आवाज़ देखिए आप कितना क्रिस्प है। बाकी के कॉर्न को भी स्ट्रेन कर लेती हूँ। मैंने पहले स्ट्रेन नहीं किया था ताकि हमारे कॉर्न गर्म रहें। आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि कितना धुआं है अभी भी। सो आप भी अगर अलग अलग तरीके की वैरायटीज ऑफ कॉर्न बना रहे हैं तो स्ट्रेन बाद में भी आप कर सकते हैं ताकि आपके जो कॉर्न है वो गर्म रहे। चलिए मैं आपको एक और दूसरी डिश बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं अपने एक कप बॉइल कॉर्न। अब इससे मैं बना के दिखाऊंगी आपको कॉर्न की चाट। सो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कुछ वेजीज, शिमला मिर्ची, थोड़े से अनियन, थोड़े से टमाटो। हाँ हाँ टमाटो महंगे हो गए हैं पर थोड़े डालने तो बनते हैं, फ्लेवर भी तो ज़रूरी है। थोड़ा हम इसमें ऐड करेंगे हमारा नमक, काली मिर्ची। बेस्ट बात पता है क्या इस रेसिपी की? आपको अपनी पसंद के आप जो वेजीज चाहें वो ऐड कर सकते हैं, बट ये जो वेजीज होती हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं, तो प्लीज़ ये तो यूज़ करिए करिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूँगी नींबू का रस, हल्का सा एकदम ज़रा सा मैं ऐड करूँगी इसमें बटर, और इसको दे दूंगी मैं पहले एक अच्छा सा मिक्स। उसके बाद इसका एक और इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करूंगी। ये एकदम बहुत ही हेल्दी वेल्दी चाट है और ये लगते भी बहुत मज़ेदार है। अब हमारी वेजीज मिक्स हो आई हैं तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी इसमें हमारा नायलॉन सेव। भाई भेल किसी भी चीज़ की हो, चाहे मुरमुरे की हो, चाहे कॉर्न की हो, चाहे पापड़ी चाट हो या कुछ भी हो, सेव नहीं हुई तो फिर अधूरी है। और फिर मेरे अंदर तो इंदौर का टेस्ट बहुत भरा है तो किसी भी चीज़ में सेव तो मैंडेटरी है। तो ये देखिए हमारी भेल कितनी शानदार दिख रही है। अब हम इसको भी एक बोल में सर्व कर लेते हैं। वेजीज से थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ गई है, कोई ना, लग रही है बहुत ही फुलफिलिंग और ये है भी बहुत ही फुलफिलिंग और बहुत ही टेम्पटिंग। तो चलिए जल्दी से मैं आपको थर्ड डिश बताती हूँ, फिर मुझे इनको टेस्ट भी करना है। चलिए अब हमारे लास्ट वाले थर्ड कप से मैं अपनी तीसरी रेसिपी बताती हूँ जो कि हम सबकी फेवरेट है, जिसपे हम बहुत पैसे देते हैं मूवी देखते टाइम मॉल्स में। भाई स्वीट कॉर्न खाना है, स्वीट कॉर्न खाना है, तो चलिए देखते हैं हम ये स्वीट कॉर्न कैसे बनाते हैं घर पे बहुत ही इजी से। सो बस इतना सा बटर लेना है हमें। बटर मैंने पहले ही निकाल दिया था ताकि हल्का मेल्ट हो जाए। इसमें मैं डालूंगी नमक, काली मिर्ची। नमक मैंने काला नमक ही यूज करा है सारी रेसिपीज में क्योंकि मैंने नॉर्मल नमक ऑलरेडी स्टार्ट में बॉईल होते टाइम ही डाल दिया था। और बस हम हमारा कॉर्न डाल देंगे, बस इतना सा ही था और कुछ नहीं डलता इसमें। इसी के लिए आप इतने इतने पैसे देते हो एक छोटे से कप के लिए। अच्छा सब मिक्स दीजिए। कॉर्न आपका गर्म होना चाहिए तो उससे क्या होगा, जो वैसे ही थोड़ा सा बटर मेल्टेड था और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे सारे कॉर्न्स के ऊपर हमारा बटर मिक्स हो गया है और काली मिर्ची की कोटिंग भी अच्छे से हो गई है। तो अब बस हम इसको सर्व करते हैं। बस इसकी रिक्वायरमेंट एक ही होती है कि सर्व हॉट, इट टेस्ट यम व्हेन इट्स हॉट। ये वाला कॉर्न भी हमारा हो गया रेडी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं।
सारी डिशेस मजेदार थी, मुझे पता है मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई होप आपको भी अच्छी लगेंगी। प्लीज इसे ट्राई करिएगा और मेरे एपिसोड को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक इन एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय चटोरी के चटोरों, थैंक यू।